Assalamu alaikum, welcome back to this vlog. Sorry for the sore throat and the fazool voice because I am suffering सुईर किस्म की खांसी और फ्लू ना हो रही, इसी वजह से व्लॉग में भी इतनी देर होगी। ईद के बाद कुछ भी अपलोड नहीं किया, तो यहाँ मेरे पास जो है ना, मैं वही वाला ईद हेयर मास्क शेयर करने लगी हूँ आपसे, जिसका मैंने जिक्र ईद व्लॉग में भी किया था, चांद रात व्लॉग में। ये मेरे पास फ्रेश एलोवेरा थी जिसको मैंने जो है वो क्रश्ड कर लिया था। आप इसको पील ऑफ करके क्रश्ड कर लें। अब क्या क्रश्ड करना, मैंने आपको दिखाना था, लाइक इट्स अ कॉमन थिंग, यू कैन डू इट ईजीली। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है, आप बाज़ारी एलोवेरा ले लो, लेकिन मेरे पास फ्रेश थी। और दूसरा मेरे पास इंग्रेडिएंट था ये कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये कोकोनट ऑयल मेरे पास काफ़ी प्योर वाला है, तो इस बार इसका कलर भी जो है वो लिटिल बिट डार्कर सा है। आई डोंट नो व्हाई मैंने इस बार स्टोर चेंज किया था जहाँ से ये मैंने लिया है, बट नन द लेस इट्स क्वाइट अ गुड प्रोडक्ट। और अगला जो मेरे पास है वो पाँच मेरे पास है विटामिन ई के कैप्सूल्स, ठीक है। यानी कि तीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, विटामिन ई के कैप्सूल्स हो गए, विटामिन ई ऑयल के, और जो है वो कोकोनट ऑयल हो गया, और एलोवेरा जेल हो गया, ठीक है। इन सब को जो है वो आपने मिक्स कर देना है बारी बारी। एज़ यू कैन सी, मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दिए फ्रेश एलोवेरा पल्प में। मैं जी प्रेफर करती हूँ चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनिक वे में, आपकी मर्ज़ी। अगर आपके पास नहीं है घर में फ्रेश एलोवेरा जेल, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन यूज़ अ बाजारी अ सिंथेटिक एलोवेरा जेल एज वेल। इसमें फिर मैंने जी कोकोनट ऑयल भी ऐड कर दिया, और ये सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स ऐड किए हुए हैं मैंने, फाइव, और कोकोनट ऑयल, और फिर उसके बाद मिक्स 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 मिक्स, और ये मिक्स करके ये जेल लाइक एक जो है वो सब्सटेंस बन जाएगा, काइंड ऑफ अ हेयर मास्क। और उसके बाद आप इसको जो है अप्लाई करेंगे। अभी भी देखिए, मैंने इसको फाइनली ग्राउंड नहीं किया एलोवेरा जेल को, कि मेरा वो थोड़ा सा मिक्सी के ब्लेड्स में मसला हो रहा था, बट यू कैन डू इट। अच्छे से फाइनली ग्राउंड करें इसको, एंड आफ्टर दैट क्या है कि ये हेयर्स को मैंने खोला अपने, और हेयर्स पे मैंने जो है वो थोड़ा सा वाटर स्प्रे किया। वाटर स्प्रे करने से क्या होगा कि वो जो जेल लाइक मेरा एलोवेरा मास्क है ना, हेयर मास्क, वो थोड़ा अच्छे से स्टिक करेगा मेरे हेयर्स के साथ। अगर मैं बिल्कुल रूखे बालों में लगाऊंगी तो एलोवेरा जो होती है वो काइंड ऑफ अ स्लिपरी थिंग, तो वो स्लिपरी सब्सटेंस है, तो उसने फ़ौरन से पहले जो है ना आपके बालों से स्लिप आउट होना शुरू कर देना है। एंड यू डोंट नीड टू डू दिस, यू नीड टू अप्लाई योर हेयर मास्क वेल अप टू योर स्कैल्प, टू द टिप्स ऑफ योर हेयर्स। सो एज़ यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप आई एम अप्लाइंग दिस एलोवेरा जेल मास्क इन माई हेयर्स, मसाज करते रहे अपने फिंगर टिप्स से। इट्स अप टू यू हाउ यू लाइक टू अप्लाई योर एलोवेरा जेल मास्क। और फिर बस जो है वो पानी से गीला किया आपने, और इसको जो है एलोवेरा जेल मास्क को लगा लिया। और ये देखें, अब तक मेरा जो था वो तकरीबन 70-80% बाल जो थे वो ऑलमोस्ट, अलबत्ता 95% जो थे वो कवर अप हो चुके थे। मास्क आपने अपने हेयर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव हैवी हेयर्स, हेल्दी हेयर्स, तो मुझे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी पड़ती हैं। अगर किसी के बाल जो हैं वो कम है, तो दे कैन यूज़ लेस क्वांटिटी एज वेल। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद मेरे बाल इस हद तक स्लीक हो जाते हैं, ये दूसरी दफ़ा था जो मैंने इसको यूज़ किया, इस हद तक सिल्की, और इस हद तक इनका टेक्सचर सॉफ्ट हो जाता है कि मेन मज़ा आ जाता है, लाइक यू शुड गिव इट अ ट्राई। और उसके बाद बस मैंने इसके ऊपर जो है वो ये शॉपर से चढ़ा दिया, और इसको मैंने 2 आवर्स के लिए तकरीबन अपने बालों के अंदर रख